सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मैं तैयार हो रही थी मार्केट जाने के लिए एक्चुअली, और मार्केट में मुझे दिखी झांकी गणेश जी की। तो ये अभी कवर है क्योंकि सारे भी जितनी भी झांकी साथ में चल रही थी, जो भी बच्चे थे, कुछ भी था, वो सब पहले अरेंज कर रहे थे। बट हमको नहीं पता था कि झांकी निकली हुई है। मैं और दीदी ऐसे ही हम कुछ काम से गए थे, शायद दवाई लेने गई थी मैं अपनी। तो जब हम गए, शॉर्टकट मारा हमने क्योंकि बारिश हो रही थी, हम स्कूटी लेके नहीं गए। अगर हम स्कूटी लेके गए होते तो हमें ये झांकी नहीं दिखनी थी, क्योंकि हमने दूसरे वाले रूट पे जाना था और पैदल हम दूसरे वाले रूट से गए। तो ये मंदिर के बाहर से रास्ता जाता है जहाँ से ये झांकी निकालते हैं। तो मैं लकी मानती हूँ, मैं और दीदी दोनों, कि हम उस दिन पैदल गए और बारिश पड़ने लगी। बारिश के चक्कर में हम स्कूटी नहीं लिए और स्कूटी ना लेने के कारण हमें झांकी देखने का मौका भी मिला, क्योंकि ऐसे तो देखी हुई है बट वो चीज़ नहीं है, अच्छा लगता है देखने के लिए इसलिए। और ढोल वालों ने क्या कमाल किया, ये छोटे छोटे लड़के थे। बट मैं आपको बोलूँ, चलो ठीक है, अच्छा काम करे माता रानी, भगवान महादेव इनको इतना सक्सेस फुल लाइफ बनाए इनकी। और ये अभी इन्होंने पूजन करना था तो अभी ये सारी मतलब जो गाड़ियाँ थी वो इकट्ठी हो रही थी, और रूट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये बिज़ी रोड होता है और यहाँ पे पेड़ पौधे या तारे बहुत ज़्यादा थी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सब भी दर्शन करें और हमारे उधमपुर की झांकी देखें, जो कि आपको पता ही है गणपति जी की स्थापना की जाती है, और वो गवर्धन पैलेस में हुई है। और ये वहाँ पे उनका वो भी चल रहा है, जो कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, कथा भी चल रही है, सॉरी, समटाइम हो जाता है कि आपको पता भी होता है लेकिन आपको वो शब्द नहीं आता है बोलने के लिए। तो कथा भी हो रही है जो कि गवर्धन पैलेस में।
सो गाइस, अभी क्या था कि झांकी शुरू होने वाली थी और सभी जो बच्चे आए थे जो पार्टिसिपेंट भी करते हैं, इन्होंने फिर डांस वगैरह भी होता जो रास्ते में वो भी होता है, वो आगे जाके होना था, अभी नहीं होना था। तो जो बच्चे भी पार्टिसिपेंट थे वो भी बच्चे आए थे, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की, तो इनका सबका अपना अपना होता है कि कुछ आगे रहेंगे कुछ पीछे रहेंगे, तो बच्चे भी झांकियों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं गणपति जी से यही दुआ करती हूँ कि सबको भगवान खुशियाँ दे, सुखी रखे, और जिसको जो चाहिए वो मिले, और सब तंदुरुस्त रहे, और अच्छे से सबके काम बने। और गणपति जी का सभी नाम लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे जो धर्म में है, हम कुछ भी करें तो गणपति जी का नाम हम पहले करते हैं, गणपति जी की पूजा हम पहले करते हैं। तो ठीक है, गणपति जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और बहुत अच्छा लगा, ये मेरी फ्रेंड थी एक्चुअली, और वो भैया, वो डांसर भैया हैं, वो भी मेरे नोन में ही थे। तो फिर हम चले, वो महाराज जी हैं जो यहाँ पे कथा भी कर रहे हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता है। तो फिर बने रहे, और ये नरसिंह महाराज जी बने थे, आप देख सकते हैं, और ये देख रहे थे तो डर भी लग रहा था, इसलिए डरने वाली मुझे पता है कोई बात नहीं थी, बट ऐसे जैसे ये देख रहे थे ना एकदम से ही, तो ऐसे थोड़ा डर सा भी लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, नरसिंह महाराज जी आप पे कृपा बनाए रखे, गणपति जी, भगवान, महादेव, सब भगवान, सभी माताएं यहाँ पे कृपा बनाए रखे, और सबका भला करे भगवान, और सारे अच्छे काम करो, अपने से किसी के साथ बुरा मत करो। कोई करता तो मेरे पापा कहते हैं कोई बात नहीं, वो उसके कर्म है तुम्हारे नहीं है, तो अपने से अच्छा करो, बेस्ट करो, ये मत सोचो कि वो मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी वैसा ही करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर वो कर रहे हैं तो वो उसको करने दो, कोई बात नहीं, एक दिन उसको भी समझ आ जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं। अपने तरीके से ही जियो, और किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, और आपको सही गलत की समझ है, तो अपनी लाइफ भी अपने तरीके से इंजॉय आप करो।